हाय फ्रेंड्स, मो नाम हूँ प्रीतिदीप्त साहू और आप देखुंत कॉम्पिटिटिव ओडिशा यूट्यूब चैनल। सो आज वीडियो में आम डिस्कस करबा आपनकर कैलेंडर उपर जो क्वेश्चन गुड़ाक वर्तमान ओएसएस रे पचरा जाइछि, तो सही सब क्वेश्चन को डिस्कस करबा। तो पूरा पूरी कैलेंडर टॉपिक टाकू आम डिस्कस करबानी, काहेकि ना कैलेंडर निज भितर गोटे वास्ट टॉपिक टा, ताकू पूरा पूरी डिस्कस करिया पई हेले पाखापाखि आमको घंटे रु डेढ़ घंटा टाइम दरकार। तो जदि आपण मानको पूरा वीडियो दरकार तो आपण मानको पई कमेंट बॉक्स खोला अच्छी, कमेंट बॉक्स रे जदि आपण माने कहिबे कि पूरा आपण मानको क्लासेस दरकार कैलेंडर उपरे, तो मु आपण मानको प्रोवाइड कर देबी। बाकी आज वीडियो रे आमे कोन करबा कैलेंडर गोटे सब टॉपिक जोटे कि बहुत ही छोटो टॉपिक टे, ठीक अछि। माने आपण माने कहि परबे कि कैलेंडर गोटे टाइप रो क्वेश्चन जोटे कि ओएसएससी या फिर अलगा एग्जाम रे भी आपणकर बारंबार पचरा जाउछि, और बहुत ही इजी जोटा कि आपण माने 10 सेकेंड रु 15 सेकेंड भितर क्वेश्चन टाकू आंसर करि परबे, ठीक अछि। जो क्वेश्चन टाक मुझ देखी मैक्सिमम पे आपंकर छाड़ी दौरान एग्जाम रे, किंतु ये भाया क्वेश्चन को जदि छाड़ीदे तो फिर आउ को क्वेश्चन आप स्कोर करेंगे, सहीटा भी गोटे भाविबार कथा, ठीक। तो देखो आज जो क्वेश्चन गुड़ाक आम कर, तो देखे दूसरी प्रथम कि मुझर कौ टाइप क्वेश्चन। तो प्रथम तो देखो आपण क्वेश्चन नंबर वन जब आप देखिए, द कैलेंडर फॉर द ईयर 2021 विल बी सेम फॉर द ईयर, ताने 2021 रो कैलेंडर सहित तो आउ को ईयर रो कैलेंडर टा सेम थिबो। दैट मीन्स कहिबार अर्थ हो कि 2021 रे जो कैलेंडर टा थिबो सेम कैलेंडर टा आपनकर रिपीट हबो को ईयर रे, ठीक अछि। तो एई कांसेप्ट को कहा जाय आपनकर रिपीटेशन ऑफ द कैलेंडर, कैलेंडर रो रिपीटेशन। रिपीटेशन माने कोन, जेमती कि आमे जदि देखिबा 2021 तो गोटे कोन लीप ईयर या फिर नॉन लीप ईयर या फिर जनरल ईयर। तो आपण कहिबे कि 2021 टा होची गोटे जेनेराल ईयर किंबा नॉन लीप ईयर। तो ये जो जेनेराल ईयर टा अच्छी, जेनेराल ईयर रे आपणकर प्राय केते दिन थाए वन ईयर रे, तो सेटा होची 365 डेज। तो आमको भी देखिबार अच्छी कि को ईयर टा गोटे जेनेराल ईयर हबो, आउ तार जिते भी सब डेट थिबो से डेट रो जो आपणकर बार गुड़ाक थिबो या फिर जो डे गुड़ाक थिबो से सब डे आपणकर 2021 रो डे सहित सेम होतबो। ता माने 2021 रो जदि सपोज करंतु 1 तारीख जदि मंडे अच्छी, तो फिर सेम ईयर रो जदि आमे देखिबा 1 तारीखटा भी मंडे होतबो, 2 तारीखटा आपणकर ट्यूजडे होतबो, 3 तारीखटा वेडनेसडे होतबो, एंड तार पूरा लास्ट 31 डिसेंबर जो दिन होतबो यार भी 31 डिसेंबरटा से दिन होतबो। तो एटा को बेसिकली कहा जाए कि कैलेंडर रो रिपीटेशन। आई होप कि आपण माने बुझी पारथबे कि टॉपिकटा या फिर आपणकर क्वेश्चन रो टाइपटा कोन कहूची, ठीक। तो यही टाइप टा को आज वीडियो आम डिस्कस करवा। तो ये आप देखिपे 2023 ही आप रिसेंट जो डब्ल्यूईओ रो मेन्स एग्जाम होती गोटे क्वेश्चन आपर जब आम नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आपणकर आउ गोटे एग्जाम अच्छी जमती कि BSSO एटी भी गोटे क्वेश्चन पचरा जाए, आउ गोटे देखा यहीटा भी BSSO रे पचरा जाए, आउ गोटे देखा यहीटा भी BSSO रे पचरा जाए। ता सहित आहरी भी अदर एग्जाम अच्छी जमीक आपण मैंने जानते OHPC रो एग्जाम, तो से आपंकर गोटे दुईटा क्वेश्चन पचरा जाए। तो एमती जब आप देखिए ये टॉपिक उपर ना केबे ना केबे को ना को ईयर आपंकर क्वेश्चन आसी जाए, तो मे बी हो पारे अपकमिंग OHPC रो एग्जाम कोई भी सिफ्ट रे जदि गोटे क्वेश्चन आसीगला आपण मानक मिलगला, तो क्वेश्चन टाक जब आप जानते या फिर देखिथे तो आपण मैंने क्वेश्चन टाक आराम से सॉल्व कर पारे, ठीक अच्छे। तो प्रथम यार आम रूल टाक पढ़ी ना कि यार रूल कौन कौन देखो, ये आपरे 3टा रूल अच्छी, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 1, 2, 3 को जीवा पूर्व प्रथम गोटे जिनस ये आपको देखा पड़ो कि सेटा हूँ आपंकर लीप ईयर आउ नॉन लीप ईयर। तो लीप ईयर समस्ते जानते, नॉन लीप ईयर भी समस्ते जानते, ठीक अच्छे। तो ताऊपर मुझे टिके कहीदे 2 सेकेंड जमती कि आम ईयर कथा कह, तो ईयर हूँ बेसिकली आम टू टाइप, गोटे हूँ लीप ईयर आउ गोटे हूँ नॉन लीप ईयर या फिर जनरल ईयर आपने, ठीक अच्छे। नॉन लीप ईयर तो लीप ईयर क्या कह जाए जोटा कि 4 रे डिविजिबल होता लीप ईयर कह जाए, जमीक आम कह 2020टा हूँ गोटे लीप ईयर, कहीं ये 4 रे डिविजिबल होती आम कहीपर 2024टा हूँ गोटे लीप ईयर, यहाँ भी आपको 4 रे डिविजिबल होती। सिमिलरली नॉन लीप ईयर आम कह जोटा कि आपंकर 4 रे डिविजिबल हेनी, आम नॉन लीप ईयर कह। तो सेमती आउ गोटे आसे आपंकर सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर मानने जो भी ईयर टा 100 रो मल्टीपल थी, जमीक आम कहले कि 1900
या फिर आमे कहले कि 2000 या फिर आमे कहले 2100 2200 ए सबो हला आपनकर सेंचुरी ईयर जोटे कि 100 रो मल्टीपल। तो सेंचुरी ईयर टा लीप ईयर केते बेले हुए ना जते बेले सेटा 400 रे डिविजिबल होता है तो सेते बेले सेटा आपनकर गोटे कोन हे जाय लीप ईयर हे जाय। तो एठी मु गोटे आपन मानको क्वेश्चन पचारु छी जहार आंसर टा आपन माने समस्त कमेंट बॉक्स रे देबे। जदी मु सपोज करन तो आपन मानको चारटा ईयर देली गोटे होची आपनकर 100 200 300 आ गोटे होची 400। तो एही चारटा ईयर भितरु को ईयर टा गोटे लीप ईयर हबो तो ऑप्शन दोची आपनकर देखंतु 100 टा लीप ईयर हबो, ऑप्शन बी होची आपनकर 200 टा लीप ईयर हबो, ऑप्शन सी होची 300 टा लीप ईयर हबो, ऑप्शन डी होची 400 टा लीप ईयर हबो एंड ऑप्शन ई होची ऑल द अबव। ठीक अछि सब गुडा को आपनकर लीप ईयर हबो। तो एठे आपनकर कोटा करेक्ट आंसर हबो सेटा आपन माने कमेंट बॉक्स रे कमेंट करके जणेबे काहेकि ना मु आपन मानको कांसेप्ट ऑलरेडी कहि सारछि। वर्तमान आमे जीवा हमर रूल ऊपर को देखंतु रूल कौन कहती कि आम केमती जानवा कि को ईयर रो कैलेंडर टा आपंकर केते वर्ष पर रिपीटेशन हबो। तो प्रथम रूल देखंतु इफ देयर इज ओनली वन लीप ईयर इन द स्टार्टिंग सिक्स ईयर देन द कैलेंडर रिपीट इटसेल्फ आफ्टर सिक्स ईयर। ता माने जदि हमको गोटे ईयर दिया है से ईयर रो जदि आम प्रथम छटा वर्ष को देखिबा कि सपोज करंतु हमको गोटे ईयर दिया हला सेटा मु कहू छी कि सपोज करंतु हमको दिया हला 2019। ठीक अच्छे 2019 गोटे आमको ईयर दिया हला। तो ये 2019 तो आपण मैंने देखंतु प्रथम छटा वर्ष तो आम केमती बाहर करवा प्रथम छटा वर्ष एथिरे सिंपल कथा होचे 6 को ऐड कर दियंतु जिते बड़े आपण मैंने 6 को ऐड कर देबे तो एटा केते हिजबो 2025। तो आपण मैंने देखंतु 2019 रो नै कि 2025 भितरे टोटल 6 ईयर आपणकर केतोटी लीप ईयर आसुची। तो आपण कहबे कि सर 2020 टा गोटे होचे लीप ईयर आउ गोटे 2024 होचे लीप ईयर। तो ये केतोटी लीप ईयर आसीगला आपंकर दुईटा लीप ईयर आसीगला ता माने आम कह कि आपंकर जो कैलेंडरटा अच्छे कैलेंडरटा आपंकर 6 वर्ष पर रिपीट हम ना। तो कैलेंडरटा केते वर्ष पर रिपीट हम ना कैलेंडरटा आपंकर 11 वर्ष पर रिपीट हम। ठीक अच्छे फिर से शुणु मु कौन कौन कि जितेबाला आम देखा कि गोटे सपोज करूँ आम नॉन लीप ईयर नौ। ठीक अच्छे नॉन लीप ईयर तो से नॉन लीप ईयर जब आम स्टार्टिंग सिक्स ईयर देखा तो स्टार्टिंग सिक्स ईयर जब गोटे लिप ईयर आपको देखापे मिलला तो कैलेंडरटा 6 वर्ष पर रिपीट हम आदि स्टार्टिंग सिक्स ईयर आपको दुईटा लिप ईयर देखापे मिलला तो कैलेंडरटा आपंकर 11 वर्ष पर रिपीट हम। ता मैंने आम कहीपर कि 2019 रो कैलेंडरटा कौ ईयर कैलेंडर सहित सेम हम तो आप कहे कि 2019 प्लस 11 ईयर कर दिंतु तो सहीटा हो 2030। तो 2019 रो कैलेंडरटा 2030 रो कैलेंडर सहित सेम हम। ठीक अच्छे अच्छा थर्ड नंबर रूलटा कौन कौन थर्ड नंबर रूलटा कौन कि लीप ईयर कैलेंडर रिपीट इटसेल्फ आफ्टर 28 ईयर। तो ये जो प्रथम दुईटा रूल था यहाँ हूँ नॉन लीप ईयर पर आदि आमको गोटे लीप ईयर देखापे मिलगला तो लीप ईयर कैलेंडरटा केते वर्ष पर रिपीट होता है सेटा 28 वर्ष पर रिपीट होता है। तो यहीटा को ही आपको मन रखार अच्छे। ठीक फिर से कहूँ भलसे शुणी निपर आम क्वेश्चन ऊपर को पलिजी कि जदि आपण मैं नॉन लीप ईयर दिखाई तो नॉन लीप ईयर केस आपर दुईटा कनसेप्ट आसे हूँ कि जदि स्टार्टिंग रो सिक्स ईयर में गोटे लीप ईयर देखापे मिलला तो आपणकर कैलेंडरटा 6 वर्ष पर रिपीट हम। ठीक अच्छा सिमिलरली जदि आम कह कि स्टार्टिंग रो सिक्स ईयर में दुईटा लीप ईयर आपण मैं मिलगला जमीक एग्जाम्पल गोटे मुझे देखेली तो से ही केस कैलेंडरटा केत वर्ष पर रिपीट मारू कैलेंडरटा आपंकर 11 वर्ष पर रिपीट हम। तो यहाँ हो नॉन लीप ईयर पर आदि लीप ईयर दे था तो लीप ईयर केस रे कौन हो कैलेंडरटा 28 वर्ष पर आपंकर रिपीट हम। तो आई होप कि आपने कनसेप्टा को बुझी बर्तमान आम क्वेश्चन ऊपर को जीवा। ठीक अच्छे तो चलते क्वेश्चन ऊपर को जीवा एंड क्वेश्चन ऊपर को जीवा पूर्व आउ गोटे जिनस कहीदेगी कि जदि आपर टेलीग्राम ग्रुप जॉइन हो ना तो फिर वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक अच्छे से जाइए जॉइन हो जातु जहाँ कि वीडियो रो लिंक पाइपर एंड जहाँ भी पीडीएफ वगैरह थी वो, टेस्ट वगैरह थी वो, से सब से आपको प्रोवाइड हो तो आपने देपारे। ठीक अच्छे तो देखो तो क्वेश्चन नंबर वन कौन कहूँ कि द कैलेंडर फॉर द ईयर 2021 विल बी सेम फॉर द ईयर 2021 रो कैलेंडर टा आपंकर कौ ईयर कैलेंडर सहित सेम हम। तो प्रथम जिनस देखो लीप ईयर कि नॉन लीप ईयर नॉन लीप ईयर ता मैंने एथेर आम कौन करवा सीधा सीधा सिक्स एड करदे सिक्स एड करदे यहाँ के 2027 हो कि नहीं। तो देखो
2021 ରୁ ନେଇକି 2027 ଭିତରେ କେତୋଟି ଲିପ୍ ଇୟର୍ ଆସୁଛି? ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହିଁ ଲିପ୍ ଇୟର୍ ଆସୁଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି 2024। ଆଉ କୌଣସି ଲିପ୍ ଇୟର୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ନା? ତ ଏଇଠୁ ଆମେ କହିପାରିବା ତାହେଲେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଟା କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ରିପିଟ୍ ହେବ, 6 ବର୍ଷ ପରେ ରିପିଟ୍ ହେବ। ତ 2027 ହିଁ ହେଇଯିବ ୟାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କେଉଁଠି ଅଛି ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି, ତ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବୁଝିପାରିବେ। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ, ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ଟୁ କୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ଟୁ କ'ଣ କହୁଛି? ଦ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଫର୍ ଦ ଇୟର 2025 ୱିଲ୍ ବି ସେମ୍ ଫର୍ ଦ ଇୟର। 2025ର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଟା କେଉଁ ଇୟରର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ସହିତ ସେମ୍ ହେବ? ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଲିପ୍ ଇୟର କି ନନ୍ ଲିପ୍ ଇୟର, ଏତିକି ହିଁ ତ ଦେଖିବାର ଅଛି, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ନନ୍ ଲିପ୍ ଇୟର। ନନ୍ ଲିପ୍ ଇୟର ମାନେ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂର 6 ଇୟର। ତ ଏଥିରେ ଯଦି ଆମେ 6 ଆଡ୍ କରିଦେବା ତ ସେଇଟା ହେଇଯିବ 2031। ତ 2031ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କେତୋଟି ଲିପ୍ ଇୟର ଆସୁଛି 2025ରୁ ନେଇକି 2031 ଭିତରେ। ତ ଆମେ କହିବା କି 2028ଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲିପ୍ ଇୟର। ଆଉ କୌଣସି ଅଛି କି? ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କୌଣସି ଲିପ୍ ଇୟର ଅଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ? ଆଉ କୌଣସି ଲିପ୍ ଇୟର ନାହିଁ ନା? ତ ଏଇଠୁ ଆମେ କହିପାରିବା କି ତାହେଲେ ଯେଉଁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଟା ଅଛି, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଟା 6 ବର୍ଷ ପରେ ରିପିଟ୍ ହେବ। ଆଉ 6 ବର୍ଷ ପରେ ରିପିଟ୍ ହେବ ମାନେ 2031 ହିଁ ହେଇଯିବ ୟାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ସି। ଠିକ୍, ବୁଝିହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ବୁଝି ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ବି କରିଦେବେ, ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ, ଥାର୍ଡ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ କ'ଣ କହୁଛି? ଦ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଫର୍ ଦ ଇୟର 2029 ୱିଲ୍ ବି ସେମ୍ ଫର୍ ଦ ଇୟର। ତ 2029ର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଟା କେଉଁ ଇୟର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ସହିତ ସେମ୍ ହେବ? ସିଧା କଥା କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଲିପ୍ ଇୟର କି ନନ୍ ଲିପ୍ ଇୟର? ନନ୍ ଲିପ୍ ଇୟର, ନନ୍ ଲିପ୍ ଇୟର ଯଦି ଏଥିରେ 6 ଏଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, 6 ଏଡ୍ କରିଦେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ? 2035 ହେଇଯିବ। ତ 2035 ହେଇସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅଛି କି 2029ରୁ ନେଇକି 2035 ଭିତରେ କେତୋଟି ଆପଣଙ୍କର ଲିପ୍ ଇୟର ଆସୁଛି? ତ 30ଟା ଲିପ୍ ଇୟର କି ନାହିଁ, 31 ନାହିଁ, 32 ଲିପ୍ ଇୟର। ତ ଆମେ କହିପାରିବା 2032 ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲିପ୍ ଇୟର। ତାପରେ 33 ଲିପ୍ ଇୟର ନାହିଁ, 34 ଲିପ୍ ଇୟର ନାହିଁ, 35 ଲିପ୍ ଇୟର ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଏଇଠୁ କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲେ ତାହେଲେ 2029ରୁ ନେଇକି 2035 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ହିଁ ଲିପ୍ ଇୟର ଆସୁଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ଲିପ୍ ଇୟର ଆସୁଛି ତ ଆମେ କହିପାରିବା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ରିପିଟ୍ ହେବ, 6 ବର୍ଷ ପରେ ରିପିଟ୍ ହେବ। ତ 2035 ହେଇଯିବ ୟାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ଡି। ଠିକ୍, ବୁଝିଆସିଲା? ଓକେ, ଚାଲନ୍ତୁ ତାପରେ ଯିବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ, ଆଉ ତାପରେ ଆଜିର ଏଇ କନସେପ୍ଟକୁ ଫିନିଶ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଫୋର୍ କ'ଣ କହୁଛି? ଦ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଫର୍ ଦ ଇୟର 2027 ୱିଲ୍ ବି ସେମ୍ ଫର୍ ଦ ଇୟର। 2027ର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଟା କେଉଁ ଇୟରର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ସହିତ ସେମ୍ ହେବ? ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, 2027ଟା କ'ଣ ଲିପ୍ ଇୟର ୟା ଫେର୍ ନନ୍ ଲିପ୍ ଇୟର? ତ ଆପଣ କହିବେ କି ସାର୍ ନନ୍ ଲିପ୍ ଇୟର, ନନ୍ ଲିପ୍ ଇୟର ଯଦି 6 ଆଡ଼୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତ 6 ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ? 2033 ହେଇଯିବ ନା, 2033। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 2027ରୁ ନେଇକି 2033 ଭିତରେ ଟୋଟାଲ କେତୋଟି ଲିପ୍ ଇୟର ଆସୁଛି? ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି 2028ଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲିପ୍ ଇୟର, ଆଉ ଗୋଟେ ଲିପ୍ ଇୟର ହେଉଛି 2032। ତ କେତୋଟି ଲିପ୍ ଇୟର ଆସିଲା? 2ଟା ଲିପ୍ ଇୟର ଆସିଗଲା। ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂର 6 ଇୟରରେ 2ଟା ଲିପ୍ ଇୟର ଆସିବ ତ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ରିପିଟ୍ ହେବ? କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆପଣଙ୍କର 11 ଇୟର ପରେ ରିପିଟ୍ ହେବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଆସୁଛି କି 11ଟା ଏଡ୍ କାହା ସହିତ କରିବା? ସେଇଟା ଆମେ 2027 ସହିତ ଏଡ୍ କରିବା। ତ 2027 ପ୍ଲସ୍ 11 ଯଦି କରିଦେବେ ତ ଏଇଟା 8 ହେଇଯିବ, ଏଇଟା 3 ହେଇଯିବ। ତ 2038 ଇୟରର ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଟା 2027ର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ସହିତ ସେମ୍ ହେବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ୟାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ, ତ ଫେର୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଉଛି ଯେଉଁଟାକି କି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି କି କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଲିପ୍ ଇୟର ହେବ ସେଇଟା କହିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଉଛି 5 ନମ୍ବର କି ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 5, 2020ର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଟା କେଉଁ ଇୟରର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ସହିତ ସେମ୍ ହେବ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ଦେଇଦେଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ। ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 2030, ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି 2041, ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି 2048, ଏଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 2026। ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର 4ଟା ଅପସନ୍। ତ କେଉଁଟା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବା, ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ସୋ ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।